डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पीसी, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, कंप्यूटर्स हर कहीं है। अभी आप भी ये वीडियो किसी कंप्यूटर डिवाइस पर ही देख रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक इंसानी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और अपने कैलकुलेशन कैपेसिटी से हमारी तरक्की की राह आसान बना रहे हैं। ये सभी कंप्यूटर्स एक सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं, वो है मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड्स, यानी एक और शून्य की भाषा समझते हैं। जब तक कि कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तब तक यह कुछ काम नहीं करता और हमारे दिए हुए कमांड पर ही परफॉर्म करता है। कंप्यूटर एक टास्क एट अ टाइम ही परफॉर्म करता है, लेकिन एक से दूसरी चीज परफॉर्म करने में स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट होता है। एक 2.5 गीगाहर्ट्ज का सिंगल कोर सीपीयू एक सेकंड के 2.5 बिलियन हिस्से जितने कम टाइम में स्विचिंग टास्क पूरा करता है। इसीलिए हमें लगता है कि कंप्यूटर एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहा है। अब एक सिंपल कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो हमने सुपर कंप्यूटर बनाए, जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है और दुनिया भर के क्रिटिकल चीजों पर काम करता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी। सुपर कंप्यूटर को पैरेलल कंप्यूटर भी कहते हैं। अब जिस कंप्यूटर मॉडल पर काम किया जा रहा है, वो सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस्ड होगा, एक क्वांटम कंप्यूटर। पर ये अभी भी अंडर रिसर्च है। लॉजिकली इसे सोच लिया गया है, पर इसे प्रैक्टिकली डेवलप नहीं किया गया है। चाइना और यूएसए क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस में सबसे आगे हैं। एक क्वांटम कंप्यूटर को काम करने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आने वाला फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर का हो, पर आज बात होगी बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की। ये कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन का नया फेस है, जिसे स्वीडन की लंड यूनिवर्सिटी में खोजा गया और इस पर चल रहे रिसर्चर्स का रिजल्ट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश किया गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका infinitystream.tv पर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम चलेंगे बायोलॉजिकल कंप्यूटर की इंटरेस्टिंग जर्नी पर। तो क्या है बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग, आइए इसे समझते हैं। हम और आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करते हैं, लेकिन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर आज के इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर्स के मुकाबले सिर्फ 1% एनर्जी यूज करता है। मॉडर्न साइंस इतना कैपेबल हो गया है कि बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के जरिए एक सुपर कंप्यूटर को श्रिंक करके एक मोटर की शेप में ला सकता है, और ये पॉसिबल है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। सोचिए, जब हमने पहला कंप्यूटर बनाया था तो वो किसी बड़े कमरे जितने साइज का था, पर आज एक कंप्यूटर प्रोसेसर आपकी हथेली में आ जाता है। अब कंप्यूटर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी को इस तरह समझिए कि धरती को एक फुटबॉल साइज में कन्वर्ट कर दिया गया हो, जो धरती को 50 मिलियन साइज छोटा करने जितना है। अब फुटबॉल को भी 50 मिलियन साइज छोटा कर दीजिए तो जो साइज निकलेगा वो है नैनो टेक्नोलॉजी। अब इन नैनो कंप्यूटर चिप्स को ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन्स कोड मायोसिन से जोड़ने की कोशिश चल रही है। आसान भाषा में समझिए कि मायोसिन ह्यूमन बॉडी का वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, यानी बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को लिविंग ह्यूमन सेल से बनाया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सिग्नलिंग के बदले बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स में केमिकल इनपुट्स और दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जैसे प्रोटीन्स और डीएनए। यही हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। स्वीडन की लंड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की टीम जिस बायोलॉजिकल कंप्यूटर पर काम कर रही है, उस सिस्टम से मायोसिन के प्रोटीन फिलामेंट्स को आर्टिफिशियल पाथ में गाइड किया जा रहा है। लर्न यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग रिसर्चर हाइनर लिंक के आसान भाषा में समझाते हुए बताते हैं, नैनो बेस्ड चैनल्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो प्रोटीन फिलामेंट्स को ट्रैफिक रेगुलेशंस देंगे। फिर पूछे गए मैथमेटिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलते ही उसे डीएनए मॉलिक्यूल्स के नेटवर्क में भेजा जाएगा।
इस तरह बड़े साइज के कंप्यूटर्स के बदले नैनो स्केल मॉलिक्यूल मोटर बायोलॉजिकल कैलकुलेशंस करेंगे। मतलब हमारे पास बहुत ही छोटे और पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे जिनसे कम स्पेस की खपत होगी। यही नहीं, बायोलॉजिकल कंप्यूटर को बनाने में क्वांटम कंप्यूटर के मुकाबले कम बजट, टाइम और रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज किया जाएगा उनमें से कई तो नेचर में ही मौजूद हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स मुश्किल से 10 से 12 सालों में अवेलेबल हो जाएंगे। बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स की जरूरत आखिर है ही क्यों, कभी सोचा है आपने? चलिए बताते हैं। मान के चलिए कि कोई डिजास्टर हो गया, चाहे नेचुरल हो या ड्यू टू ह्यूमन रीजंस, और अचानक से हम स्टोन एज में पहुंच गए, तो क्या हमारी नॉलेज और हिस्ट्री सर्वाइव करेगी? नहीं ना, क्योंकि ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है वो डिजिटली अवेलेबल है। आज हमें ज्यादातर जरूरी जानकारियां इंटरनेट से एक्सेस करनी पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ना रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगे ना ही हार्ड डिस्क। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है दोबारा से हमारी मेहनत को रिकवर करने का? बिल्कुल हो सकता है, अगर सारी इंफॉर्मेशन इंसान के डीएनए में डाल दी जाए, क्योंकि डीएनए में हमारी सभी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे स्किन टोन तक हमारे पूरी बॉडी को डीएनए ही प्रोग्राम करता है। डीएनए के चार ऑर्गेनिक बेस होते हैं। नंबर 1 एडिनिन, नंबर 2 गुआनिन, नंबर 3 साइटोसिन और नंबर 4 थायमिन। इन्हें एक साथ AGCT कहते हैं। डीएनए के चारों ऑर्गेनिक बेस को एक साथ कोडोन कहा जाता है, जिनसे हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। इन कोड्स को दूसरे कामों में भी, जैसे सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 1999 की बात है जब न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने एक अल्फाबेट बनाया जिसमें डीएनए कोडोन्स के 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए गए और हर एक कॉम्बिनेशन को स्पेसिफिक लेटर नंबर और ग्रामर सिंबल असाइन कर दिया गया। उसके बाद साइंटिस्ट्स डीएनए के एक लंबे स्ट्रैंड में 22 कैरेक्टर्स का एक मैसेज लिखा। उसके बाद मैसेज के दोनों तरफ जेनेटिक मार्कर लगा दिया। फिर उस डीएनए को एक टाइप किए हुए लेटर में एक छोटे से डॉट के तौर पर छिपा दिया गया। उस लेटर को उन्होंने खुद को ही मेल करवाया। उसके बाद लेटर को पढ़ा गया और उस डीएनए डॉट को देखा। डीएनए डॉट के मिलने के बाद उन्हें जेनेटिक मार्कर्स भी मिल गए। उसके बाद डीएनए को सीक्वेंस में डालने के बाद उन्होंने उस मैसेज को डिकोड कर लिया। इससे इस कंक्लूजन पर आना पॉसिबल हो पाया कि डीएनए क्रिप्टोग्राफी के जरिए टेक्स्ट के मुकाबले ज्यादा चीजों को कोड किया जा सकता है। 0 और 1 बाइनरी कोड को डीएनए कोडोन्स में ट्रांसलेट करने के बाद डिजिटल डेटा को सिंथेटिक डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है और दोबारा उन्हें डिजिटल फॉर्म में लाया जा सकता है। 2012 में साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने 793 किलोबाइट कंप्यूटर फाइल्स को डीएनए स्ट्रैंड में डाला, जिनमें शेक्सपियर के 154 सोनेट्स थे और मार्टिन लूथर किंग का फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम भी था। और 4 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के रिसर्चर्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 200 मेगाबाइट्स डेटा को बाइनरी कोडिंग के जरिए डीएनए स्ट्रिंग्स में डाला, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के साथ साथ एक म्यूजिक वीडियो भी था। अब अगर कैपेसिटी की बात करें तो डीएनए बहुत सारा डेटा बहुत कम स्पेस में स्टोर करके रख सकता है। साइंटिस्ट्स की माने तो अभी डीएनए की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि आप 100 मिलियन HD मूवीज एक पेंसिल इरेजर में स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा भी अंदाजा लगाया गया है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है उसे डीएनए स्टोरेज टेक्नोलॉजी से एक जूते के बॉक्स जितने साइज में रखा जा सकता है। साथ ही कंप्यूटर मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो बस कुछ दशकों तक ही टिक पाता है। पर डीएनए की लाइफलाइन बहुत लंबी होती है, इसके बोन्स को टूटने में ही 500 साल का वक्त लगता है। लेकिन अगर किसी ठंडी जगह पर और डार्क एनवायरमेंट में रखा जाए
तो डीएनए कई सौ सालों से लेकर कई हजार सालों तक टिक सकता है। अगर इतना वक्त भी ना काफी रहा तो साइंटिस्ट्स सिंथेटिक डीएनए बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें डीएनए स्ट्रैंड के जीनोम में एक पॉइम को डाल दिया गया। ये एक माइक्रोब का डीएनए था। इस माइक्रोब का नाम रखा गया कॉनन द बैक्टीरियम। इस तरह के माइक्रोब एक वैक्यूम में बिना पानी के 6 साल सरवाइव कर सकते हैं। यही नहीं, ये ऐसी रेडिएशन भी झेल सकते हैं जिनसे इंसानों की जान तक जा सकती है। एक्सपेरिमेंट में ये दिखा कि वो बैक्टीरियम अपना 100 जनरेशंस पैदा करने में सक्षम था, वो भी बिना डेटा लॉस किए। अब इस माइक्रोब की तरह अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाए तो बायोलॉजिकली अपने खुद की कॉपी बना सकता है बिना डेटा लॉस किए और मिस्टेक्स को खुद करेक्ट करते हुए। तो इंसानों द्वारा आज तक की इकट्ठा की गई जानकारी और ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान एक लिविंग और ग्रोइंग नॉलेज आर्काइव तैयार कर पाएंगे, और अगर ये एक पेड़ की शक्ल में होगा तो उसके बीजों में वो सारी जानकारी अगले जनरेशन को मिलती रहेगी। इस तरह उस जानकारी को दूसरे देशों, महादेशों और यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर भेजा जा सकेगा। भले ही एक दिन इंसान मिट जाएंगे, पर हमारी लेगेसी बताने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। अब तो ऐसे भी रिसर्च सामने आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मैग्नेट मेकिंग बैक्टीरिया बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स बनाने में इंसानों का काम आसान बनाएंगे। चौंकिए मत, ये हकीकत है। एक्चुअली यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स की टीम ऐसे माइक्रोब्स के साथ बायोलॉजिकल कंप्यूटर बनाने पर रिसर्च कर रही है जो आयरन यानी लोहा खाते हैं। ये माइक्रोब्स लोहा निगलने के बाद उसे अपने शरीर में ही मैग्नेट जैसा बना देते हैं। वैसे ही मैग्नेट्स जो हमारे और आपके पीसी हार्ड ड्राइव्स में होते हैं। इन रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि मैग्नेटिक माइक्रोब से फास्टर हार्ड ड्राइव्स बनाने में मदद मिलेगी। ये रिसर्च स्मॉल नाम के जर्नल में पब्लिश भी हुई थी। अभी के लिहाज से ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है और कंप्यूटर कंपोनेंट्स छोटे होते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में स्मॉलर स्केल पर या नैनो स्केल साइज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे। अब ये मैग्नेटिक बैक्टीरिया है क्या? जरा इतिहास भूगोल देख लिया जाए। इस मैग्नेटिक बैक्टीरिया का नाम है मैग्नेटो स्पिरिलम मैग्नेटिकम। बाय नेचर ये मैग्नेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक एनवायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और बिलो द सरफेस, जहां ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हुए तैरते रहते हैं। इनकी एनलाइनमेंट ठीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड की ओर उसी तरह रहती है जैसे कंपास के नीडल की होती है। जब ये बैक्टीरिया आयरन निगलते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर मौजूद प्रोटीन्स इन आयरन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नेटाइटी के नाम से बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। ये आयरन धरती के मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं। जब इन माइक्रोब्स पर स्टडी की गई और जिस तरह ये अपने अंदर नैनो मैग्नेट्स कलेक्ट करते हैं, उन्हें शेप और पोजीशन देते हैं, उसी तरीके को जब साइंटिस्ट ने कॉपी करके माइक्रोब्स के बाहर अप्लाई किया, तो ये पता चला कि ये ग्रोइंग मैग्नेट्स आने वाले दिनों में फ्यूचर हार्ड ड्राइव्स बनाने में मदद कर सकते हैं। इस रिसर्च के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की डॉक्टर सारा स्टैनलैंड ने कहा कि टेक्निकल एडवांसमेंट्स के चलते इंसान बहुत तेजी से ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की लिमिटेशन तक पहुंच रहा है, क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर कंपोनेंट्स छोटे और बहुत छोटे होते जा रहे हैं। छोटे होते होते ये बहुत ही क्रिटिकल और क्लम्सी होते जा रहे हैं, और इसका सोल्यूशन नेचर के पास ही है, जैसे ये मैग्नेटिक बैक्टीरिया। मैग्नेटिक बैक्टीरिया की फंक्शनिंग समझने के बाद एक और रिसर्च पर नजर डालते हैं जो बायोलॉजिकल वायर्स का प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि उन्होंने अपने एक रिसर्च में लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए टिने इलेक्ट्रिकल वायर्स बना लिए हैं। साइंटिस्ट्स की टीम ने लैब कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में लिविंग सेल्स के मेम्ब्रेन से नैनो स्केल ट्यूब्स बनाए हैं।
ये ट्यूब्स इंसानी शरीर में मौजूद लिपिड मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन से बनाया गया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर मासायोशी तानाका कहते हैं, ह्यूमन सेल्स में मेम्ब्रेन एक फिल्म जैसा बायोलॉजिकल वॉल होता है जो सेल्स के इंटीरियर को बाहरी एनवायरमेंट से अलग करता है। मेम्ब्रेन की मदद से बनाए गए यही नैनो स्केल ट्यूब्स आने वाले भविष्य में माइक्रोस्कोपिक बायो इंजीनियर्ड वायर्स बनाने में हेल्प करेंगे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सेल्स हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ये बायोलॉजिकल वायर्स इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होते हैं और बायो कंप्यूटर के सेट ऑफ सेल्स में इंफॉर्मेशन भेजने में कैपेबल होते हैं। डॉक्टर मासायोशी तानाका और डिटेल में बताते हैं कि बायोलॉजिकल वायर्स ह्यूमन सर्जरी के लिए भी बायो कंपैटिबल पाए गए हैं। तो दोस्तों आगे और बढ़े इससे पहले बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। तो फायदों की बात करें तो स्पीड और एफिशिएंसी के मामले में बायो कंप्यूटिंग से हम बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो बायो कंप्यूटर्स में इतनी क्षमता है कि वो डीएनए सीक्वेंसिंग को हफ्तों या कुछ दिनों के बदले कुछ घंटों या मिनटों में परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा एक्यूरेसी के मामले में। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग मेथड्स के मुकाबले डेटा एंड कैलकुलेशन में एफिशिएंसी आएगी और स्पेशली मेडिसिन इंडस्ट्री को इतना एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि हम छोटे से छोटे एरर्स को भी बारीकी से समझ जाएंगे। बायो कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा पर्यावरण को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट फ्रेंडली साबित होगी और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग के बदले बायो कंप्यूटर्स कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। कंप्यूटेशनल प्रोडक्शन में कमी आने से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम निकलेंगे और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी जैसे प्रीसियस मेटल्स एंड लिक्विड्स की माइनिंग भी कम होगी। अब बात करते हैं बायो कंप्यूटर्स के साथ आने वाली दिक्कतों की। तो अगर सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी अंडर डिवेलपमेंट है। चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पर जब बायो कंप्यूटर्स अवेलेबल होंगे तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट और रिसर्च में ही पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बायो कंप्यूटर्स सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, हर जगह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत यंग है और इसे सपोर्ट करने के लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इसकी सिक्योरिटी को लेकर भी काफी चिंता जताई जाती है। बायो कंप्यूटर्स को सेंसिटिव डेटा जैसे डीएनए सीक्वेंस और मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए यूज किया जाएगा, तो प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना लिए जाने पर उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है। अब बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स का मैकेनिज्म समझते हुए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को एक्चुअली किसी पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। पेशेंट कहना सही नहीं होगा, कैंडिडेट। एक्चुअली कैंडिडेट की बॉडी की सिर्फ जानकारी यानी ब्लूप्रिंट से लेकर बायोलॉजिकल कंप्यूटर को बनाया जाता है। एक बार कंप्यूटर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट मिलने के बाद हमारा शरीर अपने आप नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए उसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। बूलियन लॉजिक इक्वेशन से बायोलॉजिकल कंप्यूटर हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी तरह की सेल्यूलर एक्टिविटी को पहचानने लगता है कि वो शरीर के लिए हार्मफुल है या नहीं। एक बार इम्प्लांट होने के बाद बायोलॉजिकल कंप्यूटर को हमारे सेल्स की जो भी एक्टिविटी का पता लगता है उसमें म्यूटेटेड जीन्स और बाकी जीनोम एक्टिविटीज की जानकारी भी मिलने लगती है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की तरह बायोलॉजिकल कंप्यूटर भी इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स देते हैं। बायोलॉजिकल कंप्यूटर का मेन इनपुट होता है बॉडी प्रोटीन्स, आरएनए और कुछ दूसरे स्पेसिफिक केमिकल्स जो ह्यूमन साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। जो आउटपुट मिलता है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट के जरिए पता किया जाता है। एक बात तो आपने नोटिस की होगी कि बायोलॉजिकल कंप्यूटर के साथ बार बार डीएनए का जिक्र आ रहा है, तो चलिए इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की जाए। एक्चुअली मॉलिक्यूलर कंप्यूटेशंस और बायो कंप्यूटर्स के फील्ड में डीएनए एक फेवरेट बिल्डिंग ब्लॉक होता है।
डीएनए एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जहां बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। आरएनए को यूज करते हुए बायो कंप्यूटर तैयार कर उसे किसी लिविंग सेल में डाल दिया जाता है और सेल किस तरह रिएक्ट कर रहा है ये देखा जाता है। ज्यादातर कंप्यूटर्स की तरह आरएनए डिवाइस भी ब्लूलीन लॉजिक पर ऑपरेट करता है। इसे इस तरह प्रोग्राम्ड किया गया रहता है जो एंड और नैंड एंड नोर कमांड पर रिस्पोंड करता है। बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स के इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर सब कुछ डीएनए से बने होते हैं। इसके अलावा डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स हार्डवेयर का काम करते हैं। मेडिकल साइंस में बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज्यादातर बीमारियों का पता लगाने के लिए होता है। प्री प्रोग्राम्ड मेडिकल नॉलेज के जरिए बायोलॉजिकल कंप्यूटर सेल्स की डायग्नोसिस करता है। अगर कैंसर डायग्नोसिस पर रिस्पॉन्स की बात करें तो कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रिलीज करता है ताकि कैंसर पैदा करने वाले सेल की एक्टिविटीज में रुकावट डाल सके या कैंसर सेल खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर ले। तो बायो कंप्यूटर्स एक तरह से बायोसेंसर का काम भी करते हैं और ह्यूमन बॉडी में चल रही सेल एक्टिविटीज को रेगुलर बेसिस पर ट्रेस करते रहते हैं। तो क्या बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स बन चुके हैं और बनाया तो किसने? तो यूएसए के साइंटिस्ट्स ने साल 2012 में क्लेम किया था कि उन्होंने दुनिया का पहला बायोलॉजिकल कंप्यूटर बना लिया है जो बायोमोलिक्यूल से बने थे और डीएनए चिप्स में एनक्रिप्टेड इमेजेस को समझने में सक्षम थे। स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया और टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्लेम किया था कि उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटिंग सिस्टम बना लिया है। इस रिसर्च में जब सब कुछ सूटेबल सॉफ्टवेयर को बायोलॉजिकल कंप्यूटर में अप्लाई किया गया तो साइंटिस्ट्स ने देखा कि कंप्यूटर स्क्रिप्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड टेक्नियन लोगोस के फ्लूरोसेंट इमेजेस को सेपरेटली डिक्रिप्ट कर सकता है। हालांकि पहले भी डीएनए को एनक्रिप्शन के काम में यूज किया जा चुका है पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में पहली बार इमेज बेस्ड मॉलिक्यूलर क्रिप्टो सिस्टम के जरिए बायो कंप्यूटिंग का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया था। इस रिसर्च में हिस्सा ले रहे प्रोफेसर एहद कीनन मानते हैं कि हम सभी एक बायोमोलिक्यूलर कंप्यूटर हैं और हमारे अंदर जो मैकेनिक सिस्टम है उसके सभी कॉम्पोनेंट्स दरअसल मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में लॉजिकल टॉक करते हैं। इस सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनका अपना प्रीडिटरमाइंड केमिकल वर्क होता है जैसे डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन भेजना वगैरह है। तो क्या इंडिया में बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स डेवलप करने की कोई कोशिशें नहीं चल रही हैं? अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग के नसों में दौड़ रहे हैं तो जवाब है बिल्कुल हो रही है। आईआईटी खड़गपुर का बायो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इस कोशिश में लगा हुआ है ताकि कॉइन साइज्ड बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स बनाए जा सके जो मेडिकल ट्रीटमेंट में मददगार साबित होंगे। आईआईटी खड़गपुर ने देश में ही बायो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन लेबोरेटरी बनाई है जहां बैटरी फ्री इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस डेवलप करने पर काम किया जा रहा है ताकि ब्रेन नर्व मसल और स्पाइनल कोर्ड डिसऑर्डर्स जो अनट्रीटेबल होते हैं उनके इलाज को संभव किया जा सके। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स का कहना है कि उनका एम है कॉइन साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इम्प्लांट करना जो वायरलेस एनर्जी सप्लाई करेगा जिससे रिहैबिलिटेशन और प्रोस्थेसिस एप्लीकेशंस आसान बनेगी। इन चिप्स के जरिए न्यूरल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा जो मेडिकल साइंस में अभी तक एक अनछुआ सब्जेक्ट है। ये सॉल्यूशन बेस्ड सिस्टम इलेक्ट्रिकल स्टैमुलेशन बायोपोटेंशियल रिकॉर्डिंग और न्यूरोकेमिकल सेंसिंग का कॉम्बिनेशन होगा। अगर स्टैंडर्ड पेसमेकर्स की बात की जाए तो 5 से 10 सालों में लिमिटेड बैटरी लाइफ के चलते दोबारा सर्जरी करवानी पड़ती है लेकिन आईआईटी खड़गपुर का डेवलप किया गया सॉल्यूशन पूरी तरह से वायरलेस पावर ट्रांसफर करेगा और इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करेगा। इससे ह्यूमन बॉडी में जो भी इम्प्लांटेशन किए जाएंगे वो लाइफ टाइम वर्किंग करेंगे और सर्जिकल इंटरवेंशंस को कम किया जा सकेगा। आईआईटी खड़गपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सुदीप नाग बताते हैं ये प्रोग्रामेबल चिप्स
पेशेंट के साइकोलॉजिकल कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेंगे। चिप डेवलपमेंट पर अभी जो रिसर्च किया जा रहा है वो ब्लाइंडनेस, लिम्ब पैरालिसिस, कॉग्निशन लॉस, पार्किंसन ट्रीमर, एपिलेप्टिक सीजर्स और मेमोरी लॉस को टारगेट करके किया जा रहा है। नए तरह के ये नॉवेल बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बायो सिग्नल सेंस कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके इंटेलिजेंट डिसीजन ले लेंगे और ह्यूमन बॉडी का जो भी ऑर्गन बीमारी से अफेक्टेड हुआ है उसे इलेक्ट्रिकल मेथड से कंट्रोल करेंगे। आईआईटी खड़गपुर की ये लेबोरेटरी एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट, बायो कंपैटिबल पैकेजिंग, बायो रिलायबिलिटी असेसमेंट और एनिमल टेस्टिंग रूम्स जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज से इक्विप्ड है और एंड टू एंड इंटेलिजेंट मेडिकल सिस्टम डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे आईआईटी खड़गपुर, एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एसएफटीआईजी इंडो कैनेडियन फेलोशिप से आते हैं। अब बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग में जिस तरह के चिप्स बनाए जा रहे हैं वो माइक्रो और नैनो टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांटेशन होने के बाद डीएनए एंड अदर प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्ट करना होता है। इसीलिए ऐसे मटेरियल्स की भी खोज की जा रही है जो कम इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर सके, कम स्पेस कंज्यूम करे और जिसकी लाइफलाइन ज्यादा हो। तो पिछले 40 से 50 सालों से ऐसे ही एक मटेरियल की खोज चल रही थी जो फाइनली ग्रेफीन के रूप में मिल गई। फोर्ब्स मैगजीन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, ग्रेफीन बेस्ड कंप्यूटर मोल्डेड आफ्टर द ब्रेन टू हैंडल बिग डेटा। इसमें लिखा गया था कि किसी भी इनोवेशन के लिए आने वाले दिनों में हमारे आसपास अवेलेबल डेटा ही सबसे विटल रोल प्ले करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए डेटा को कैसे यूज और मैनेज करना है, यही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि अंदाजा लगाया गया है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार 15 टेराबाइट्स डेटा प्रोड्यूस कर सकती है। अब जब इतना सारा डेटा निकलेगा तो उन्हें मैनेज करना एक मुश्किल काम होगा। ऐसे में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कम साइज में ज्यादा डेटा स्टोर कर पाए। 2020 में ही एस्टिमेटेड 44 जेटाबाइट्स डेटा वर्ल्ड वाइड जनरेट हुआ था। एक जेटाबाइट में 21 जीरो होते हैं, इसीलिए सालों से साइंटिस्ट्स का ध्यान इस पर भी है कि बेटर डेटा मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसी का सोल्यूशन ग्रेफीन में दिख रहा है। ग्रेफीन एक यूनिक मटेरियल है जिसकी बनावट टू डायमेंशनल होती है और ये कार्बन एटॉम्स का बना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये काफी मजबूत होता है, इसे खींच सकते हैं और इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही पतला होता है और इसका वेट लगभग ना के बराबर होता है। जैसे अगर ग्रेफीन का 1 square meter शीट लेंगे तो उसका वेट होगा 0.77 ग्राम। ये ज्यादा गर्म भी नहीं होता है तो सेमी कंडक्टर बनाने के लिहाज से ये एक अच्छा मटेरियल है। इसीलिए बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के लिए भी इसे एक फ्यूचरिस्टिक मटेरियल माना जा रहा है। 2010 में एंड्रे जेम और कोस्त्या नोवोसेलो को ग्रेफीन पर इनके ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ग्रेफीन के अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसे रस्ट प्रूफ पेंट बनाने में, वॉटर फिल्ट्रेशन में, रेडियोएक्टिव केमिकल्स को डिस्पोज करने में, स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी इंप्रूव करने में, आर्टिफिशियल मसल्स बनाने में, सुपर कैपेसिटर्स बनाने में, मोबाइल स्क्रीन को ब्रेक प्रूफ बनाने में जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। आने वाले 10 से 15 सालों में ग्रेफीन लगभग हर कहीं दिखेगा और बायो कंप्यूटर्स बनाने में इतना इफेक्टिव मटीरियल बहुत काम आएगा। अब आते हैं डीएनए हैकिंग पर। क्या बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को हैक किया जा सकता है या इन्हीं टिनी बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स को किसी बैड पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक लिविंग सेल कंप्यूटर जैसा ही होता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका डीएनए। फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंप्यूटर के बाइनरी नंबर्स 0 और 1 जैसा ही होता है। ह्यूमन सेल्स को इवॉल्व होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे और डिजिटल कंप्यूटर्स बस कुछ दशकों की ही देन है, फिर भी इनका फंडामेंटल आर्किटेक्चर सेम होता है। इसीलिए कंप्यूटर की तरह ही बायोलॉजिकल कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है।
अभी बायोलॉजिकल हैकिंग अपने अर्ली स्टेज पर है। पहला ह्यूमन जीनोम बनाने में लगभग 2 बिलियन पाउंड का खर्चा आया था और वो साल 2000 में कंप्लीट हुआ। पर अब एडवांस्ड होती टेक्नोलॉजी से जीनोम सीक्वेंसिंग 2500 पाउंड में हो जाता है और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे और सस्ती होती जाएगी। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और जेनेटिक इंजीनियर्स हर कहीं मौजूद है। इसका पॉजिटिव साइड देखें तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, डायग्नोस्टिक्स और नए ट्रीटमेंट्स के लिहाज से ये वरदान है। इससे हमें इंसानों का इवोल्यूशन समझने में, बायोफ्यूल्स बनाने में, बेहतर दवाइयां बनाने में और यहां तक कि ह्यूमन लाइफ को एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी। और इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि बायोलॉजिकल हैकिंग, बायोलॉजिकल अटैक और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नया दौर शुरू हो सकता है। यूएसए में एंथ्रेक्स अटैक के बारे में आपने सुना ही होगा। एंथ्रेक्स एक तरह की बीमारी है जो कैटल एनिमल से होता है, इंसानों में फैलने पर जान तक जा सकती है। 9/11 के बाद यूएसए में यही बीमारी को पाउडर के जरिए कई सारे मीडिया हाउस को पोस्टल सर्विस के जरिए मेल किया गया। टोटल 22 लोग, जिनमें 12 मेल हैंडलर्स भी थे, वो एंथ्रेक्स पॉजिटिव मिले और इन 22 लोगों में से 5 की जान चली गई थी। इनमें 2 यूएस सीनेटर्स भी थे। आजकल ऐसे अटैक्स और इजी हो गए हैं। ह्यूमन डीएनए की कमजोरियों का पता लगाकर ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स बनाए जा सकते हैं जिनसे हजारों जाने जा सकती है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह कॉमन हो गया है और दुनिया भर में ऐसे बहुत से बायोलॉजिकल इंजीनियर घूम रहे हैं जिनका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो सकता है। 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू के आउटब्रेक होने से मेक्सिको सिटी में ट्रेवल करना कई हफ्तों के लिए रोक दिया गया था। इसी तरह बायोलॉजिकल अटैक से किसी शहर को आराम से कोलैप्स किया जा सकता है और ऐसे में किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के माइक्रोब्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स को ट्रैक करने का कोई ग्लोबल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए पब्लिक हेल्थ के लिहाज से खतरा हमेशा ज्यादा ही रहता है। साइबर अटैक का एक सबसे बड़ा एजेंट है स्पैम, जिसे जानबूझकर हजारों लाखों की मात्रा में ग्लोबली भेजा जाता है, क्योंकि स्पैम मेल्स बनाना बहुत ही कम खर्चीला है। इसी तरह डीएनए बनाना भी सस्ता हो रहा है और इंजीनियर्ड बायोलॉजिकल स्पैम आने वाले फ्यूचर में कॉमन हो जाएगा। ये वायरस, स्पर्म, पॉलन या सीड्स हो सकते हैं। इस तरह की चीजें मनी मेकिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हो सकती है। जैसे अगर कोई बायोलॉजिकल वायरस बनाया गया जिसे लैब में बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग से इस तरह डेवलप किया गया हो जो इंसानों की जान नहीं लेगा पर सर्दी, खांसी या एलर्जी पैदा कर सकता है, तो उसकी नेचुरल इम्यूनिटी या तो ह्यूमन बॉडी में नहीं होगी या बनाने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही मार्केट में इसकी दवाइयां आएंगी वो प्री प्लान्ड मनी मेकिंग बिजनेस हो सकता है, ताकि विटामिन्स, कोल्ड एंड कफ सिरप या दूसरी मेडिकल सप्लाई की सेल बढ़ाने के लिए हो सकती है, क्योंकि इस तरह की दवाइयों का 27 बिलियन पाउंड का एनुअल मार्केट है। डीएनए साइबर हैकिंग पर रिसर्च करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एक कंप्यूटर को डीएनए स्ट्रैंड मालवेयर से हैक किया था। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक डीएनए स्ट्रैंड में मालवेयर एनकोडिंग की थी और जब उसे एक प्रोग्राम के जरिए प्रोसेस्ड और सीक्वेंस किया गया तो उससे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल गया। ये बस एक एक्सपेरिमेंट था, इसका कोई बैड मोटिव नहीं था। इसे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था दिखाने के लिए कि डीएनए साइबर हैकिंग पॉसिबल है। डीएनए हैकिंग का एक और तरीका है आइडेंटिटी थेफ्ट। यूके की नेशनल फ्रॉड अथॉरिटी की माने तो आइडेंटिटी थेफ्ट के चलते हर साल यूनाइटेड किंगडम को 2.7 बिलियन पाउंड का नुकसान होता है और लगभग 2 मिलियन लोग अफेक्टेड होते हैं। बहुत से देशों में जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्वीडन और यूएस में नेशनल डीएनए डेटाबेस मेंटेन किया जाता है ताकि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन की जा सके। आने वाले दिनों में ऐसा डेटा बड़े स्केल पर रखा जाएगा। अब अगर कोई क्रिमिनल ये डेटा हैक कर ले तो अपनी आइडेंटिटी बदल सकता है या मिटा सकता है। साथ ही अगर जेनेटिक डीएनए डेटा हाथ लग जाए तो ह्यूमन क्लोनिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
बायोलॉजिकल हैकिंग से किसी को क्राइम में फंसाया भी जा सकता है। अगर किसी का डीएनए हाथ लग जाए तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस डीएनए सैंपल को फॉल्स एविडेंस की तरह क्राइम सीन पर छोड़कर पुलिस को गुमराह किया जा सकता है और किसी इनोसेंट को क्रिमिनल बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के साथ आने वाले दिनों में दिखेंगी। एंथ्रेक्स अटैक की तरह ही दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट्स को डिजाइन करके उन्हें किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ यूज किया जा सकता है। इसका मकसद फाइनेंशियल डैमेज या टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे जैसे हम बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ह्यूमैनिटी के लिए नए इन्वेंशंस, नई जानकारी, नई मेडिकल एंड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन के साथ साथ नया खतरा भी बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद है infinitystream.tv की ये डॉक्यूमेंट्रीज आपको बहुत पसंद आ रही है और आपकी नॉलेज लाइब्रेरी में नया चैप्टर जोड़ती जा रही है। अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग infinitystream.tv। थैंक यू।